मेरठ में राशन घोटाले में दर्ज किए गए मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। एसपी देहात को नोडल अधिकारी बनाया है और क्राइम ब्रांच में लंबित सभी मुकदमों की फाइल तलब कर ली गई है। शासन की ओर से इस मुकदमे को जल्द ही निस्तारण के निर्देश मिल चुके हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इस धांधली का पर्दाफाश एसटीएफ ने किया था और मेरठ में कई मामले दर्ज किए थे। ये सभी मामले फिलहाल क्राइम ब्रांच में हैं। पहले जो जांचें लंबित हैं, उनके लिए एसआईटी का गठन किया गया, नोडल अधिकारी एसपी देहात को बनाया गया। अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है उस पर? आप संभवतः आधार बर्गलिंग वाले केस के बारे में बात कर रहे होंगे। जी ठीक है, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आपने कहा भी कि एसपीआरएस आपको नोडल उसमें बनाया गया है, तो उसमें संबंधित सूचनाएं हमसे मांगी गई हैं। तो जो भी जैसे किस किस डीलर के यहाँ पर ये प्रकरण हुआ, किस किस आधार से हुआ, मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो हुआ, उसके संबंध में डिटेल्स सर महोदय द्वारा मांगी गई हैं, तो वो पहले भी प्रोवाइड कराई गई हैं और आगे भी जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। सर, कितने राशन डीलर हैं जिन पर मुकदमा? राशन डीलर 185 के खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई है। अच्छा सर, सर एक ऑडियो